सभी प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन नजर आया जो सुर्खियां बटोर रहा है, और महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में दरार की जो खबरें हैं उन्हें ये विज्ञापन और हवा देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस विज्ञापन में एक निजी सर्वे के हवाले से दावा किया गया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पद के लिए 26.1% लोग ही पसंद करते हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई, और वहीं शिंदे की पार्टी को 16.2%। राज्य में विपक्ष इस विज्ञापन पर अब चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत का बयान आपको सुनवाते हैं। सर्वे कहां से किया? क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है सिर्फ, या गुजरात में जाकर सर्वे किया है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बालासाहेब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब यह है जो शिवसेना चल रही है वो बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना, आज ये साफ हो गया। और वहीं एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो का ट्वीट है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री को सर्वे में पसंदी दी गई है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी को तो हमारे देश में नहीं पर दुनिया ने पसंदी दी हुई है। वो सिर्फ देश में नहीं तो दुनिया में नंबर एक पर है। विकास के लिए राज्य आगे बढ़ रहा है, राज्य महासत्ता की ओर जा रहा है, और इसीलिए हमारे राज्य को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है डबल इंजन सरकार की वजह से। इसलिए मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ।